हे गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आज हम बाइनरी कोडिंग को यहां पर बनाएंगे और इसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके अपकमिंग डेज के एग्जाम्स है उसमें आ सकते हैं। तो ये लेक्चर आपका प्रॉपर हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज़ों में मिलेगा। और बाइनरी जो है ये आपका थोड़ा सा कंप्यूटर का आपका बेसिक नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद आप इस चीज़ों को कर सकते हैं। तो उन्हीं सारी चीज़ों की मैं आपको एक लॉजिक बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप सारे क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चन बाइनरी कोडिंग का आएगा आप उसको कर लोगे। और यार ये कभी ना कभी रिपीट होकर आ जाता है, 5 नंबर का आएगा। तो चलो इसको एक बार यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो दोनों भाषाओं में है, हिंदी और इंग्लिश में। तो देखो लिखा है कि इन अ सर्टेन कोड, कोई एक सर्टेन कोड है जिसमें कुछ सिम्बल्स हैं, जैसे 0 है इसको लिखा जाता है स्टार। तो यहाँ पर आप माइंड में सेट कर लो कि 0 को लिखा जाता है स्टार। फिर लिखा है 1 इज हैश, तो जो 1 है इसको लिखा जाता है क्या, हैश। ठीक है, अब मैं आपको बिल्कुल कंप्यूटर का बेसिक बताऊं यहाँ पर। तो कंप्यूटर में दो ही चीज़ें होती हैं, 0 और 1। तो पूरा का पूरा कंप्यूटर आपके केवल 2 बिट पर काम करता है, 0 और 1। तो जैसे आपने देखा होगा कहीं कहीं पर जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं जिसमें 0 वोल्ट और 5 वोल्ट आता है, तो उसी तरह से हमारा कंप्यूटर भी क्या अंडरस्टैंड करता है, केवल 0 और 1 को। तो यहाँ पर हमें 0 और 1 के इक्विवेलेंट 2 सिंबल्स दे दिए गए हैं, जो कि है स्टार और 1 का दे दिया है हैश। अब इसके बाद इन्होंने यहां पर कहा है कि आप इन्हीं 2 की हेल्प से सारे नंबर्स की कोडिंग करने वाले हो। अब जैसे इन्होंने यहां पर 2 इज रिटन एज, 2 को लिखा है हैच और स्टार। ठीक है, 2 को क्या लिखा है, हैच और इसके बाद में स्टार। फिर 3 जो है इसको लिखा है डबल हैच। ठीक है, तो यार ये चीजें कैसे लिखी जा रही हैं और है क्या बेसिकली। देखो 2 का तो फिक्स इन्होंने कर दिया कि 0 को स्टार, 1 को हैश, बाकी 2, 3, 4 को ये रिपीटेशन कैसे क्या चल रहा है इसके बारे में मैं आपको एक ही ट्रिक बताऊंगा जिससे ये आपकी सारी बेसिक चीजें जो हैं ये कवर हो जाएंगी, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, इसलिए हम इसको एक बार यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या है कि जो भी ये रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है हमें क्या है किसी भी ना किसी तरीके से बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, और बाइनरी के बाद में फिर हमें ये सिंबल्स बनाने होंगे, क्योंकि 0 और 1 है क्या, ये आपका बाइनरी है। चलो आप बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में आ जाते हैं, सब कुछ भूल जाओ, हमें ये पता है क्वेश्चन सॉल्व करना है और हमें कंप्यूटर के फंडामेंटल जो है उनसे कोई यहां पर मतलब नहीं। तो केवल एक नंबर मैं आपको बताऊंगा, उसको आप याद कर लो। ये होगा आपका 1, इसका डबल होगा 2, 2 का डबल होगा 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16 और 16 का डबल 32। ठीक है, तो ऐसे हम चलते रहेंगे। अब अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए कि यार 22 का क्या होगा, 18 का क्या होगा, 15 का क्या होगा, सारे नंबर का ये जो हैच या एस्ट्रिक या हैच एस्ट्रिक की लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पर 22 का लिख लेते हैं कि 22 को क्या लिखा जाएगा। देखो किसी भी नंबर को लिखना है तो आपको वो पेयर बनाना होगा। अब जैसे अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि 22 कैसे आपका बनेगा, देखो 16 है, अगर मैं 16 को ऑन कर दूँ, मतलब 16 पर हम बन दे दें, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्टिवेट हुआ, 0 ऑफ 1 का मतलब ऑन, इतना आप याद रख लो। तो ये भी हम कह सकते हैं ट्रू और फॉल्स के सेंस में कि 16 को हमने ट्रू कर दिया। तो देखो 22 को लिखने का तरीका क्या है, 16 और अब अगला नंबर क्या है, 8 लिख दोगे तो 24 हो जाएगा, तो ये तो करना नहीं है, 4 को और एक्टिवेट करना है, जिसको एक्टिवेट करो उसको 1 लिख दो, तो 16 और 4 20 हो गया। तो 2 को अगर मैं और ऑन कर दूं तो ये देखो जो 22 है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, 16 4 20 और 2 22, बाकी सारे आपके क्या है, 0 0 हो जाएंगे। ओके, अब देखो यार इसका सिंबल में लिखना है तो देखो 0 को लिखा जाता है स्टार, जहां जहां पर 0 है वहां पर क्या आएगा, स्टार आएगा। ओके, और जहां पर 1 है वहां पर हैश आ जाएगा। तो ये हो गया आपका इन प्रॉपर नंबर्स के लिए कोडिंग। अगर आपसे पूछा जाए 22 के लिए क्या कोड होगा, तो यार चाहे 0 को आप लिखो चाहे ना लिखो, इसको आप निग्लेक्ट भी कर सकते हो, केवल आप इन्हीं बिट्स को यहां पर दिखा सकते हो कि हैश एस्ट्रिक हैश हैश एस्ट्रिक, ये जो चीजें हैं किसके लिए यूज होंगी, ये होंगी 22 के लिए। ओके, इतना हमें समझ में आ गया। चलो थोड़ा सा एक नंबर हम और यहां पर कोई भी ले लेते हैं, कोई भी रैंडम नंबर ले लिया। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 0 को इन्होंने क्या लिखा है स्टार और 1 को लिखा है हैच। ठीक है, अब जैसे मैंने 8 ले लिया, 8 की जगह 7 लेता हूं, 7 ले लिया अज्यूम कर लो। ठीक है, तो नंबर वही होगा 1 2 4 8। ठीक है, तो देखो 7 तो इस 8 के अंदर आ जाएगा, तो आगे मत बढ़ना, आप 7 बनाना है। तो देखो 4 को आप एक्टिवेट कर दो 1 लिखकर, ये बिट ऑन हो गई, 4 और 2 6 और 1 7, तो यहां पर 1 1 आ गया तीनों जगह पर। देखो 1 को लिखा जाता है हैच, तो जब 3 बार हैच लिखा मिल जाए तो ये किसका कोड होगा, ये होगा रिस्पेक्टिव 7 का कोड। इतना आपको बेसिक समझ में आ गया, बस यही सब कुछ है। एक बार जरा मुझे कमेंट में जल्दी से रिप्लाई करो कि 36 के लिए क्या लिखा जाएगा, ये जो हैच
और एस्ट्रिक है इसकी लैंग्वेज में। ओके जल्दी से मुझे बताओ कि आपका क्या निकल कर आ रहा है। ओके चलो एक शॉर्ट ट्रिक तो हमने ये चीजें समझ ली, ठीक है। सारा मेन फंडा क्या हमारा यही वाला है जो ये यूनिवर्सल है 1, 2, 4, 8, 16, ठीक है। इसी से ही हमारे सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। अब जैसे जो नंबर आपका पेयर बनेगा, जैसे अगर पेयर बन गया 21 का पेयर अगर मैं बनाता हूं तो देखो 16 को आपको एक्टिवेट करना होगा, 16 चार को करना होगा, ये हुआ 20, और इस एक को एक्टिवेट करना होगा, बाकी सारे आपके जीरो हो जाएंगे। इनके करेस्पॉन्डेंस इनके सिंबल लिख दो, आपका आंसर यहां पर बन गया, ठीक है। इतना हो गया, अब आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है दिए गए सिंबल के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। ये जो सिंबल लिखे हैं देखो इनकी जगह पर आप बताओ अब क्या यहां पर आना चाहिए। ओके ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो देखो सीधी सी बात है, जहां पर हैश लिखा है उसका मतलब क्या हुआ 1, और जहां पर स्टार लिखा है उसका मतलब हो गया 0। तो देखो 1, 1, 0, 1, 0 इतना लिख जाएगा। अभी मैंने आपको एक जो नंबर बताया था यूनिवर्सल नंबर, उसको इसके नीचे लिखना चालू कर दो 1, 2, 4, 8, 16, और ये क्या हो गया 32। अब देखो जिनमें 1 लिखा है वो क्या है, एक्टिवेट है, आप ऐसा समझ लो कि वो ट्रू है, और जिसमें 0 लिखा है वो डीएक्टिवेट है या फिर वो क्या है फॉल्स है। ओके अब देखो आप केवल 1 वालों को ही आपको मतलब रखना है, यहां पर मतलब होगा इन चीजों से भी आपका मतलब हो जाएगा, फिर आगे ये 2 है, ठीक है, बाकी और तो कहीं कोई नहीं है ना, क्योंकि 0 वालों को हमें काउंट नहीं करना है, केवल हमें 1 से मतलब है। देखो इसको जोड़ दो 32 + 16 + 4 + 2, देखो 16 + 4 = 20 और 2 = 22, 22 और 32 कितना हो गया 54, तो हो गया आपका आंसर कितना 54। आपसे यही पूछा जाएगा एग्जाम में इसी फॉर्मेट में, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया ना यार, कोई भी मैंने कुछ ज्यादा यहां पर नहीं किया, एक बार फिर से देखना चाहो देख लो, ये जो सिंबल्स लिखे हैं इनको इनके ओरिजिनल में लिख दिया। देखो हैच को लिखा है 1, तो ये हो गया 1, 1, ये हो गया आपका 0, और ये भी 1, 1, 0 हो गया। अभी मैंने आपको बताया था ना 1, 2, 4, 8, 16, 32, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो जो जो आपकी जैसे यहां पर 1, 2, 4, 8, 16, 32 लिख दिया, अब जो विट आपकी 1 है इसका मतलब जो ट्रू है केवल आपको उनको ऐड करना है, केवल ट्रू वाले से मतलब है, बाकी 0 जो फॉल्स होता है उसको एडिशन में हम लोग नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। तो देखो 32 और 16 ये दोनों काउंट हो जाएंगे, इधर ये 1 और ये हो जाएंगे, तो 4 और 2 = 6, 6 और 16 = 22, 22 और 32 = 54, ठीक है। तो राइट आंसर कितना हो गया 54 वाला। थोड़ा सा और क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, ध्यान से देखना, इसमें लिखा है कि इस एक्सप्रेशन को क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है, तो वही बात होगी, यहां पर हैश लिखा है तो ये हो गया 1, ये हो गया 0 और ये हो गया 1, 1, माइनस ये क्या है आपका 0, ये क्या है 1, ये 0 और ये 1, 0, 1, ठीक है। अब अगर आप इसको लिखोगे तो इसके नीचे भी लिख लो 1, 2, 4 और 8। अब सीधी सी बात ये रखना कि जो एक्टिवेटेड है, एक्टिवेट ये वाले हैं, ठीक है, केवल इनको काउंट करना है। देखो ये हो गया 8 + 2 और 1 = 3, 8 और 3 कितना हो गया 11, तो 11 में से अब मुझे लेस कितना करना है इसको 1, 2, 4, 8, इसको भी लिख लो। तो देखो ये आपका बिट एक्टिवेट है और ये 4+1 वाला एक्टिवेट है। ओके तो ये कितना है, ये आपका हो जाएगा 4+1, ये हो गया 5। तो देखो 11 में से 5 को लेस करा कितना आया आपका 6 आया, ठीक है। अब यार 6 को इसी सिंबल की फॉर्मेट में लिखना है, तो देखो 1, 2, 4, 8 लिख लो, और मुझे 6 का रिप्रेजेंटेशन करना है, तो देखो ये पता है कि 4 को ऑन कर दो और 2 को ऑन कर दो, तो ये बन गया 6, तो ये दोनों 0, 0 हो गए। अब देखो जो आपने 4 और 2 मिलाकर 6 आ रहा है, तो 1 की जगह पर हैश आएगा, इधर भी हैश आएगा, और इधर क्या आ जाएगा स्टार, पहले जो हैश से पहले 0, इसकी कोडिंग करनी अनिवार्य नहीं है। डबल हैच स्टार कहां पर है, सेकंड वाले में है, तो ये आपका आंसर यहां पर बन गया। ओके इतना आपको समझ में आ रहा है ना। अब देखो ये वाला एक क्वेश्चन है कि ये जो इसकी जगह पर कौन सा वाला ये नंबर आएगा, तो यार ये सेल्फ सॉल्व करो और मुझे कमेंट में रिप्लाई करो कि आपका आंसर निकल कर क्या आ रहा है। ओके जिन लोगों का 45 आंसर आ जाए वो लोग कमेंट जरूर कर दें कि हाँ सर मेरा 45 आ गया। ओके चलो एक और क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर हम लेते हैं। देखो इसमें लिखा है कि अगर हम इस सिंबल की मल्टीप्लाई इस सिंबल में कर दें, ठीक है, मतलब कि अगर इसमें हम मल्टीप्लाई करें इस नंबर से तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या आएगी, मतलब प्राप्त संख्या जो है वो आपको यहां पर कैलकुलेट दोस्तों करनी है। ओके अब देखो यार इसको कैलकुलेट करने का आसान तरीका क्या है, वही है कि फिर से इसको हम लोग डेसिमल में लेकर आएंगे, तरीका वही होगा आपका, हैश को लिखेंगे 1,
ये 0 1 हो गया। तो देखो 1 2 4 आगे 8 तक बढ़ते हैं तो 3 डिजिट है जो एक्टिवेट है उनको केवल ऐड करना है हमें, ठीक है। तो देखो 4 और 1 5, ये कितना आ गया, 5 आ गया आपका। आगे देखो डबल हैश लिखा है तो यहाँ पर 1 1 हो गया। तो जब हम लिखते हैं क्या है 1 2 4 8 लिखते हैं ना, तो यहाँ पर ये दोनों एक्टिवेट है तो ये कितना है 2 + 1, ये हो गया आपका 3। तो देखो 5 और 3 की मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 15। यहाँ पर रिजल्टेंट नंबर क्या है 15 दिया हुआ है तो ये आपका सही आंसर आ जाएगा। तो पूरा का पूरा खेल किस पर आधारित है, यही 1 2 4 8 16 32। अब एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे या फिर आप कितने भी सेट सॉल्व करो, सब कुछ पूरा गेम इसी के ऊपर आधारित है। थोड़ा सा और देखते हैं, एक और एक क्वेश्चन है ये भी आपके लिए मैं दे रहा हूँ, इसको आप लोग एक बार ट्राई करके बताओ कि इसका आंसर क्या निकल कर आ रहा है। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन आपसे पूछा है कि 5/18 × 90, इसको सॉल्व करोगे तो इसमें से जो रिजल्ट आपका आएगा उसको ये हैच और स्टार में कन्वर्ट करोगे तो कौन सा ऑप्शन आपका बन रहा है। ऑप्शन नंबर में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑप्शन 1 2 3 4 5 है। तो इसमें से मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि कौन सा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर मैच कर रहा है, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर मैं ले रहा हूँ यार, ये भी देख लो सेम भाई बेसिक है जो मैंने अभी आपको बताया कि 1/2 + 9/2। देखो 1/2 9/2 बेस सेम है तो 9 × 10 10/2 हो गया, कितना हो गया 5। अब देखो 5 का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 1 2 4 8 में 4 की जगह पर 1 लिख दो और इधर 1 की जगह पर 1, तो इन दोनों को अगर आप एक्टिवेट कर दोगे तो रिजल्ट कितना मिल गया 4 + 1 5 मिल गया, ठीक है। बाकी सब 0 0 हो जाएंगे। 1 को लिखते हैं हैच, इसको लिखते हैं स्टार, इसको लिखते हैं हैच। तो देखो हैश एस्ट्रिक हैश कहाँ पर दिया हुआ है, ये देखो हैश एस्ट्रिक हैच ये वाला दिया हुआ है ना, थर्ड वाला ऑप्शन, तो ये आपका मैच कर गया। आई होप पूरा कंसेप्ट आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब एक मैं रैंडम क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ, इसका रिजल्ट मुझे कमेंट में रिप्लाई करना आप लोगों को। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, जैसे हम लोग इसको कुछ इस फॉर्मेट में मान लेते हैं, हैश स्टार स्टार हैश, यहाँ पर मैंने प्लस लगा दिया, फिर मैंने लिख दिया हैश स्टार हैश, फिर मैंने यहाँ पर डिवीजन का सिंबल लगा दिया और मैंने लिख दिया स्टार हैश और स्टार। चलो इसका मुझे रिप्लाई करो, ओके, कि आपका रिजल्ट क्या निकल कर आएगा। ओके, प्रॉपर ध्यान रखना, यहाँ पर भी आपको बोर्ड माउस ही अप्लाई करना है, ओके, उसके मेथड को बिल्कुल छोड़कर नहीं जाना, क्योंकि पहले आप इसको डिजिट में कन्वर्ट करोगे, डिजिट को सॉल्व करोगे बोर्ड माउस के तरीके से, अगर आप थोड़ा सा इधर उधर जाओगे तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत, ठीक है। कमेंट में बताओ कि इसका आंसर क्या निकल कर आ रहा। दोस्तों ये तो हो गया आपका एक बाइनरी कोडिंग या फिर हम इसको जो है डिजिटल कोडिंग भी कह सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अपकमिंग डेज में हम लोग न्यू पैटर्न के कोडिंग डिकोडिंग डिस्कस करेंगे जो आपके SBI PO क्लर्क और मेंस के लिए जो है हिट करेंगे, PO मेंस और जो SBI PO जो SBI क्लर्क मेंस है, इन दोनों एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, यहाँ पर कुछ प्लेलिस्ट दे रखी हैं आप देख लो, और प्रॉपर RRB की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं आप उनको देखो, और अपकमिंग डेज में मैथ्स भी प्रॉपर आपका स्टार्ट हो जाएगा, ओके। तो अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं, थैंक यू, हैव अ गुड डे, और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।